हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिली सीड्स किचन। मैं हूँ सुप्रीत और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रोटी रैप, जिसे मैं 3 डिफरेंट तरह की स्टफिंग से बनाऊंगी, मैगी, पनीर और स्माइली से। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसे आप लंच में खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए या डिनर में खाइए, कभी भी बनाइए, ये झटपट से रेडी हो जाता है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैगी की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में मैं 2 चम्मच तेल गरम करूंगी और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन। इसे कुछ ही सेकंड के लिए रोस्ट करना है और इसमें अब मैं डालूंगी कटे हुए प्याज, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च। अगर आपके पास पीली और लाल शिमला मिर्च ना हो तो आप सिर्फ प्याज और हरी शिमला मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। सब्जियों को हमें क्रंची ही रखना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब 1 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच नमक। अब इसमें हम डालेंगे बॉईल की हुई मैगी और 1 मैगी मसाला पाउच। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ करके लास्ट में मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा प्याज। अब हमारी मैगी रैप की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम तैयारी करते हैं पनीर रैप की स्टफिंग की। पनीर रैप की स्टफिंग के लिए सबसे पहले पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और उसमें मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज, कटी हुई लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च। सब्जियाँ आप अपनी चॉइस की कोई भी डाल सकते हैं, जिस तरह की सब्जी आपको पसंद हो आप वैसी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच सेजवान सॉस। 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इसमें भी वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची ही रखना है। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच टमाटो सॉस। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ पनीर और आधा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। 1 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही पकाएंगे। अब ये पनीर स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब एक कटोरी में 2 चम्मच मेयोनीज डालूंगी मैं और 1 चम्मच टमाटो केचप डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा मेयोनीज स्प्रेड रेडी हो चुका है। अब इसे अलग रखेंगे। रोटी रैप बनाने के लिए मैंने ये गेहूं के आटे की 3 कच्ची पक्की रोटी बनाई हुई है। अब इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर से इसमें हम कट लगाएंगे, चाहे तो नाइफ से लगाइए या सीजर से लगाइए। इसे हमें सेंटर से हाफ रोटी तक कट लगाना है। अब सबसे पहले मैं इसकी एक साइड में लगाऊंगी सेजवान सॉस, उसके बाद मैं इसमें रख रही हूँ मोजरेला चीज़। अगर आपके पास मोजरेला अवेलेबल ना हो तो आप चीज़ क्यूब भी लगा सकते हैं या चीज़ स्प्रेड भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें रखा है लेटस लीव और उसके ऊपर मैंने रखा है प्याज और टमाटर का स्लाइस। और अब मैं इसमें रखूँगी स्माइली। स्माइली ना हो तो आप इसमें फ्रेंच फ्राइज भी रख सकते हैं। और इसे इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। स्टफिंग आप अपनी टेस्ट के अनुसार कैसे भी लगा सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सेजवान सॉस ना लगाएं, या जो भी बच्चों को पसंद हो उस तरह का सॉस आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी रोटी पर सेम उसी तरीके से कट लगाना है। और अब इसमें मैं लगा रही हूँ मेयोनीज स्प्रेड जो हमने रेडी किया था केचप के साथ, और इसमें भी एक साइड मोज़रेला चीज़ मैंने लगाया है। साथ ही में सेम लेटस, अनियन और टमाटर स्लाइस रखा हुआ है। और अब इसमें मैं डालूंगी मैगी, जो चाउमीन मैगी हमने रेडी की थी उसका स्टफिंग, और इसे भी सेम तरीके से हमें फोल्ड करना है ट्राइंगल शेप में। अब जो तीसरी रोटी है इसमें भी सेम उसी तरीके से सेंटर से कट लगाएंगे।
इसमें भी मैंने लगाया है मियोनी केचप स्प्रेड, साथ में रखा है मोजरेला चीज़, लेटस, अनियन एंड टमाटो स्लाइसेस, और इसमें मैं लगाऊंगी जो पनीर स्टफिंग हमने रेडी की थी वो, और सेम उसी तरीके से इसे भी हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। अब हमारे तीनों तरह के डिफरेंट स्टफिंग के रोटी रैप रेडी हो गए हैं। अब इसे सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम किया है। इसमें एक एक करके हमें तीनों रैप रखने हैं और इसे अच्छे से सेकना है दोनों साइड से। 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे कि ये अच्छे से वन साइड से सिक चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे। इसे बहुत केयरफुली टर्न करना है ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। अब आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, एकदम क्रिस्पी है। अब रोटी रैप को प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।